वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। हम सीपीओ के पेपर कर रहे हैं, ये है पेपर टू। पेपर वन अगर आपने नहीं देखा होगा तो पेपर वन को देख लीजिएगा। मैंने इसकी पीडीएफ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, एज वेल एल वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर चुका हूँ। देखिए, हम कर रहे हैं सीपीओ के लेटेस्ट पेपर जो 2019 में पूछे गए थे दिसंबर के टाइम में। टोटल 8 पेपर पूछे गए थे और एक पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 8 पेपर में 400 क्वेश्चन यहां से हम कवरअप करेंगे और सीजीएल मेंस के 300 क्वेश्चन में कराऊंगा, तो यहां से टोटल 700 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग सीजीएल 2019-20 का एग्जाम देने वाले हैं मार्च में, उनको ये 700 क्वेश्चन कंप्लीट करके जाएं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और ये वो इजीली अगर अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं तो 50 out of 50 मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे तो उसमें से इजीली 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20। और जो लोगों को देखिए, जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रहा है ना, पीडीएफ क्वेश्चन ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। कहाँ पे करता हूँ तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे करता हूँ, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। कैसे ज्वाइन कीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जहाँ पे आप कमेंट्स रिप्लाई करते हैं वहाँ पे आपको लिंक दिया जाता है, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 700 क्वेश्चन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सीपीओ का पेपर मैं सोल्व करा रहा हूं जो 2019 में हुआ है लेटेस्ट पेपर। 8 पेपर हुए हैं, 50 क्वेश्चन एक पेपर में होते हैं, तो 400 क्वेश्चन यहां से। और सीजीएल मेंस 2018 जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके 3 पेपर हुए थे, 100 क्वेश्चन एक पेपर में होते हैं, तो 300 क्वेश्चन यहां से। टोटल 700 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं, जिसमें से सीपीओ के पेपर में से एक पेपर, पहला पेपर कंप्लीट हो चुका है और 5 वीडियो में मैंने इसको कंप्लीट कराया हूँ, एज वेल एज इसकी पीडीएफ प्लस वीडियो सॉल्यूशन दोनों के दोनों टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल और मिल जाएगा। सीपीओ 2019 का पेपर टू है, जिसमें से 50 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 क्वेश्चन कवरअप कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 11 से 20। इसकी भी पीडीएफ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल जहां पे आप कमेंट्स करते हैं ना कमेंट बॉक्स में, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा, पीडीएफ मिल जाएगा और पीडीएफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हो, एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशन से उससे हेल्प ले सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। टू ट्रेन आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन ए पैरेलल ट्रैक एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड 57 किलोमीटर पर आवर टेक 18 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर। इफ द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज इतना, देन द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन इज। ठीक है, सिचुएशन समझना आसान है, सिचुएशन बहुत ही ईजी। देखिए सिचुएशन बहुत ही आसान दिया गया, कहा गया कि दो ट्रेन है, लो एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन, मैंने दोनों बना लिया, दोनों पैरेलल ट्रैक पे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। एक की स्पीड कितनी है, एक की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर जो इधर जा रहा है, और दूसरा वाला इधर आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है 57 किलोमीटर पर आवर। यहां पे एक सिचुएशन दी गई है कि इस ट्रेन की जो ये ट्रेन की लेंथ है, इस ट्रेन की लेंथ है 270 मीटर और इस ट्रेन की लेंथ निकालना है। लेट सपोज इस ट्रेन की लेंथ मैंने क्या मान लिया x, कि ये जो सेकेंड ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है x है, पहले वाले ट्रेन की लेंथ दी गई थी और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे की साइड इस तरह से आ रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब खुद सोचो, दो ट्रेन है, देखो ये दो ट्रेन है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करना ये दो ट्रेन है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, फाइनली ये क्रॉस कर दी तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों जुड़ जाएगी, और ये दोनों एक दूसरे क्रॉस कितने देर में कर रहे हैं 18 सेकंड में। तो बताओ हम क्या एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करें, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस किस क्या क्या होगा, पहले वाली ट्रेन की लेंथ 270 प्लस दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी x, लेट सपोज हमने किया है। स्पीड, अब देखो दो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी स्पीड रिलेटिव स्पीड कहलाती है, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी दोनों जुड़ जाएंगे। तो 42 प्लस 57, 42 और प्लस 57 कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 99 हो जाएगा। 42 है एज वेल एज 57 है, तो 5 × 7 = 99 हो जाएगा। 42 प्लस 57, 5 × 7 = 99 हो गया। अब 99 ये किलोमीटर पर आवर हुआ, अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और टाइम किस में दिया गया है, सेकंड में। क्यों, क्योंकि हमें अनदर ट्रेन की लेंथ क्या चाहिए, मीटर में चाहिए ना। चलिए मैं इसको इससे कैंसिल कर दिया, अब बचा क्या, देखिए एक्स की वैल्यू क्या हुई, इधर क्या है बचा 99 × 5 माइनस, इधर से मैं इसको ले जाऊंगा तो क्या हो गया 270। अब आप पूरा कैलकुलेट मत कीजिए, यूनिट डिजिट पे काम करो। देखो ऑप्शन देख के आपको ये पता चलेगा कि यूनिट डिजिट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, 2, 5, 0,
तो यूनिट डिजिट पे काम करेंगे, तो 9 × 5 यूनिट डिजिट 5, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0, 5 − 0 यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 5, एक ही ऑप्शन में है यूनिट डिजिट 5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप अगर पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं आप कीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए अब बट अब बात आती है एग्जाम में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एग्जाम में पूरा ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम समझने की नहीं जरूरत है, डायरेक्टली लिखिएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस पहले वाले ट्रेन की लेंथ 270 प्लस दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ लेट सपोज एक्स, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि स्पीड, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो 42 + 57 कितना हो गया 99 मीटर, ये किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 5/18 से मल्टीप्लाई, एज वेल एज दोनों का क्रॉस करने का टाइम दिया गया है 18 सेकंड, 18 से 18 कैंसिल, एक्स की वैल्यू देखो अब यहां से यूनिट डिजिट कितना हो गया 5, ये इधर जाएगा 270 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 0, 5 − 0 यूनिट डिजिट पे हमारा काम हुआ 5, और एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट 5, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपको जो मर्जी करना है, बाकी अदर ट्रेडिशनल अप्रोच के यहाँ पूरा सोल्व करके ही करना है कि भाई इसमें मल्टीप्लाई करके 270 को माइनस करूंगा, तो वो आप कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है, बट मैं आपको एग्जाम में किस तरह से अप्रोच लेकर के जाना है वो डेवलपमेंट करने के लिए ये सेशन लेके आया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही शॉर्ट अप्रोच से सिखाऊंगा, आसानी से आप कर सकते हो। देखिए क्या कहा गया, ए सम ऑफ मनी बिकम्स इतना आफ्टर 3 ईयर एंड बिकम्स इतना आफ्टर 6 ईयर एट ए सर्टेन रेट परसेंट पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन द फर्स्ट केस। देखिए ध्यान से, और हमें आंसर चाहिए, योर आंसर शुड बी नियरेस्ट इंटीजर में होना चाहिए। देखिए ध्यान से, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसको किस तरह से हमें डील करना है, ये जो क्वेश्चन है ना इसको हमें किस तरह से डील करना है। देखिए ध्यान से, पहले का मान लेट सपोज प्रिंसिपल पी है, 3 साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है, 3 साल में मनी जो है पी रुपए थी, इन्वेस्टमेंट था, और 3 साल में कितना हो गया 35680 रुपया, ये कितनी यहां से यहां तक का सिचुएशन कितना है 3 साल का। लेकिन कहा जा रहा है कि 6 साल में कितना हो जा रहा है इतना, यानी 6 साल में कितना हो गया 53520 इतना हो गया, यहां से यहां तक का पीरियड क्या है 6 ईयर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कलर चेंज करके, अगर देखो यहां से यहां तक का पीरियड 6 ईयर है, देखो यहां से यहां तक का पीरियड 6 ईयर है और यहां से यहां तक 3 है, तो ये जो बचा ये क्या है, यहां से यहां वाला पीरियड भी कितना है 3 ईयर। मैं कलर चेंज कर लूं, यहां से यहां तक का पीरियड कितना है 3 ईयर। अब जो 3 ईयर, देखो यहां से यहां तक का पीरियड 3 ईयर है, यहां से यहां तक का पीरियड 3 ईयर है, तो 3 ईयर में जो भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलूं मैं आपको, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर किससे निकलता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है फाइनल अपॉन इनिशियल, यानी पहले इसमें से इसको डिवाइड कर दूं, तो 53520 अपॉन 35680 से डिवाइड करूंगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब मेरे को ये 4 से कट जा रहा है, तो 4 से मैं काटूंगा, तो 4 × 36 नहीं जाएगा, 4 × 8 = 32 कितना बचा 3, 4 × 8 = 32 3 बचा 36 हो गया, 4 × 9 = 36 और 4 × 1 = 4। उसी तरह से इसको मैं 4 से काटूंगा, तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 36, यानी ये दोनों कैंसिल होकर के आ गया। अब देखो मेरे पास आया क्या 1338/891। अब मैं इसको और कुछ कर सकता हूं क्या, 89 यहां पे 4 × 2 = 8 होगा 2। अब देखो मेरे को एक चीज माइंड में बैठ रहा है, इसमें से मैं 2 कॉमन करूंगा, 2 × क्या लिख सकता हूं 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, इसमें से मैं 3 कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा 4 × 4 = 6, यानी 4 × 4 = 6, 4 × 4 = 6 हो गया, सिर्फ बचा क्या हमारा ये कैंसिल होकर के 3/2, यानी हमें ये पता चल गया कि यहां से यहां तक का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 3/2, 3 साल का, तो ये 3 साल तो फिक्स है ना, तो यहां से भी यहां तक का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 3/2 टाइम्स, यानी मैं अगर बात करूं प्रिंसिपल का 3/2 और अमाउंट कितना बन जा रहा है, क्योंकि हमें इस केस के लिए हमें क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट कितना है 35680, तो यहां से हमारा क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल मिल जाएगा, लो जी हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 35680 × 2/3, यहां से हमारे पास प्रिंसिपल मिल गया। लेकिन हमें प्रिंसिपल नहीं चाहिए, पहले वाले केस में क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्योंकि सेम सम है ना, यानी प्रिंसिपल फिक्स है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है a - p, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट 3 साल में कितना था
35680 माइनस प्रिंसिपल कितना है ये 35680 इंटू 3/2, ये कॉमन कर लूँ 35680 कॉमन कर लिया तो क्या बचा 1 माइनस 3 बाई टू कितना बचेगा 1 माइनस 2/3 है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 2/3 है, 1 माइनस 2/3 क्या बचेगा 1/3, 3 से मैं इसको अब कैंसिल कर रहा हूँ तो 3 एकाएँ 3, 26 हो गया, तो 3 वाँ 24 26 हो गया था ना, 3 वाँ 24 अब कितना बचा, फिर 28 बचा, तो 3 नवा 27 20 बचा, 3 6 18 यानी इतना 0.6 यानी 1189 सॉरी रुक जाइएगा एक मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, चेक कर लूँ, देखिए 35680 इंटू क्या बचा 1/3, यही कंपाउंड इंटरेस्ट आया, अब इसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो देखो 3 एकाएँ 3 कितना बचा 3 एकाएँ 3 कितना बचा 26, 3 वाँ 24 कितना बचा 2 4 2 8 3 नवा 27 10 बचा तितली के 9.3 यानी आया 11893.3 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि देखो आंसर क्या है, योर आंसर नियरेस्ट टू इंटीजर, बताओ इसके नियरेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी एक ही ऑप्शन है, देख के पता चल रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कुछ नहीं था, सिंपल था, आसान क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टर्न का है, बट अच्छा क्वेश्चन है, बट हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और आसानी से पहुंच जाएंगे। पाइप ए बी सी कैन टुगेदर फिल ए सिस्टर्न इन 12 आवर, ऑल द 3 पाइप आर ओपन फॉर 4 आवर एंड देन सी क्लोज्ड, बी टुगेदर टेक 10 आवर टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टर्न, सी एलोन फिल द 2/3 ऑफ द सिस्टर्न ईच। देखो क्वेश्चन अच्छा है, आसानी से किया जा सकता है, देखिए मैं इसको एक मिनट थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ ताकि मैं आसानी से इस क्वेश्चन को करा सकूँ। देखिए क्वेश्चन सिंपल ही है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से किया जाए, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को, चलिए मैं इस क्वेश्चन को पहले सबसे पहले इरेज कर लेता हूँ, रुक जाइएगा थोड़ा सा मैं, हाँ देखिए यह क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 3 पाइप हैं ए बी सी, तीनों मिलकर के 12 घंटे में किसी भी सिस्टर्न को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो लेट सपोज ए की इफिशियंसी ए बी की बी और सी की सी मानता हूं, तो बताओ क्या कंडीशन है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितने देर में भर सकते हैं 12 घंटे में। लेकिन अब कंडीशन दिया गया, अब कंडीशन क्या दिया गया है, ऑल 3 पाइप आर ओपन टूगेदर एंड दे वर्क फॉर 4 आवर, यानी तीनों पाइप ए बी सी को 4 घंटे के लिए खोल दिया गया इज इक्वल टू, क्योंकि टोटल आप पढ़े हो ना मैन इनटू डेज क्या होता है टोटल वर्क, उसी पे हम वर्क कर रहे हैं, टोटल कैपेसिटी इधर। अब बताओ तीनों पाइप को एक साथ कितने घंटे के लिए खोला गया, 4 घंटे के लिए, यानी तीनों पाइप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैं इस पेन टेबलेट को इधर कर लूँ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों पाइप हैं, इनको कितने घंटे के लिए खोल गया है 4 घंटे तक। अब इसके बाद कंडीशन किया गया है कि देन सी क्लोज, अब इसके बाद इस सी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, पहले 3 थे 1 2 3 एक टंकी को बंद कर दिया गया, तो बचे कितने 2, कौन से वाले ए और बी। अब क्या कहा जा रहा है, सी को क्लोज कर दिया गया, तो सी को क्लोज कर दिया गया, ए एंड बी टुगेदर कैन टेक 10 आवर, उसके बाद क्या हुआ, सी को क्लोज करने के बाद ए और बी कितने घंटे में भर रहे हैं उसी चीज को 10 आवर में, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टर्न। तो बताओ इधर का टोटल वर्क, इधर का टोटल वर्क, हमने एक लाइन में इक्वेशन सेम बना लिया। अब क्या कहा जा रहा है, सी कैन एलोन टू फिल 2/3 ऑफ द सिस्टर्न, तो हमें चाहिए सी की इफिशियंसी और टोटल वर्क पता चल जाएगा, उसे डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या मिल जाएगा, सी कितने देर में 2/3 कैपेसिटी का भर देगा। अब देखो ध्यान से, मैं यहां से इसको इधर लेके आऊं तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी 12 माइनस 4 कितना बचा 8 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू क्या बना 10, 4 और ये कितना बचा 5, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, इसको मैं ए बाई बी, ए प्लस बी को इधर लाऊं तो रेशियो क्या बनेगा 5/4, यानी इससे ये पता चलेगा कि ए, देखो ए प्लस बी 4 यूनिट, ए प्लस बी प्लस सी 5 है, यानी यहाँ पे मैं ए प्लस बी की रखूँ तो यानी सी की क्या आएगा इफिशियंसी 1, क्योंकि ए प्लस बी कितना है, ये दोनों का मिला करके 4 यूनिट, तो 5 कब बन सकता है, जब सी की वैल्यू 1 है, यानी सी की इफिशियंसी पता चल गई 1 यूनिट, हमें टोटल वर्क निकाल लें।
और ए प्लस बी की कितना है 4, तो यहां से टोटल वर्क निकल जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क हर जगह क्या होता है सेम। मैं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखे, ये टोटल वर्क है ना। अब देखो टोटल वर्क सेम बनाते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, अब बताओ ए प्लस बी 4 प्लस, ए प्लस बी 4 है और सी कितना, चलो चाहे छोड़ दो डायरेक्टली लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 5 और इंटू 12, यानी टोटल कैपेसिटी कितना हो गया 60। लेकिन हमें 60 नहीं फिल कराना है, 60 जो सिस्टर्न के द्वारा सी के द्वारा उसका 2/3 कितना हो गया 20, यानी 40 40 यूनिट ही सी के द्वारा भरना है। तो सी कितने घंटे लगेंगे, तो सी की 40 यूनिट भरना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 1, यानी कितना लगेगा उसको सी को भरने में 40 आवर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए डीआई का क्वेश्चन है, लेकिन आसानी से हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। स्टडी द ग्राफ एंड एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारे पास दिया गया कि नंबर ऑफ वर्कर्स इधर है और डेली वेजेज इन आर्यस वर्किंग इन ए फैक्ट्री, किसी काम में उनकी मजदूरी दी गई है, उसका ग्राफ दिया गया है ये। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री हुज डेली वेज आर 450 और मोर बट लेस देन 600। देखो यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है कि 450 और उससे ज़्यादा, 450 वाला कौन सा है और 600 से लेस, इसके बीच कौन कौन से नंबर आएंगे, ये आएगा और ये आएगा, यानी कि 50 प्लस 58 प्लस 72, इनमें कितने नंबर ऑफ पीपल यहीं पूछेंगे वर्कर। तो बताओ 50 वर्कर यहाँ पे हैं, 58 वर्कर यहाँ पे हैं और 72। अब मैं जोड़ कैसे रहा हूँ, देखो 50 50 100 108 108 और 2 110 और 7 180 हो जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ लीजिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, जो 450 या उससे ज़्यादा और 600 से कम के बीच कितने नंबर वर्कर हैं जिनकी मजदूरी उतनी है, तो वो 180 आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। कहा गया इफ 7 डिजिट नंबर इतना इज डिजिबल बाई 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो हमारे पास नंबर दिया गया एक्स 4 6 8 y 0 5, हमसे पूछा गया ये नंबर जो है 11 से डिजिबल है, तो हमसे पूछा गया x प्लस y की वैल्यू। चलो मैं, अब आपको पता है डिजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या है, सम ऑफ ऑड मल्टीपल एंड सम ऑफ इवन मल्टीपल, दोनों के बीच का डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। चलो पहले मैं ऑड मल्टीपल लेता हूँ, तो ये x प्लस 6 प्लस y और प्लस ये, यानी 6 5 11, यानी 11 प्लस x प्लस y, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचा हुआ रिमेन क्या हो गया, 8 4 12 -12, इन दोनों का डिफरेंस, ये पहला ऑड वाला हुआ और ये इवन वाला सम, इन दोनों का डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए, आइधर जीरो या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो या तो अगर जीरो होगा, फॉर एग्जांपल अगर जीरो होगा तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले लूंगा, तो 12 - 12 क्या हो जाएगा, 0, यानी x प्लस y की वैल्यू 1 ले सकते हैं। लेकिन आंसर में x प्लस y की वैल्यू तो 1 कहीं दिया नहीं गया ना, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या ले सकते हैं, 11 का मल्टीपल, यानी 11 प्लस x प्लस y माइनस 12, 11 कब आ सकता है, क्योंकि 11 का मल्टीपल चाहिए, तो 11 का मल्टीपल तब आ सकता है जब x प्लस y की वैल्यू क्या ले लूँ, 12, यानी 12 - 12 जीरो हो जाए, 11 = 11, यानी x प्लस y की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 12। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी। अब इतना मैं तो होता इतना नहीं सोचता भाई, अगर x प्लस वाई 1 पे ये सेटिस्फाई करा है तो नेक्स्ट 11 पे, यानी इसमें 11 जोड़ दो यानी 12, अगर इसमें नहीं, फिर अगर 12 आंसर में नहीं होता फिर नेक्स्ट 11 जोड़ देते, तो 11 जोड़ देते तो कितना हो जाता है 23। इस तरह से हम पैटर्न बना के फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमें यहीं पर मिल गया तो हमें आगे बढ़ के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं क्या दिया गया है। स्टडी द ग्राफ एंड एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारे पास देखिए दिया गया है प्रोडक्शन इन लाख टन राइस एंड वीट। देखो राइस वाला इस तरह का सिचुएशन है, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन राइस की है और वीट यानी चावल की इस तरह से, और वीट यानी गेहूं की इस तरह से लाइन दी गई है। अब आगे हमसे पूछा गया है, देखिए टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट इन ए बी एंड ई स्टेट इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन सी डी एंड ई स्टेट। देखो अब हम जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर हम फोकस करेंगे, और ये सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से।
किसकी बात की गई है? वीट की। कौन से स्टेट में? ए, बी और ई। ए ये है, बी ये है और ई ये है। इसमें भी किसकी? वीट की। तो वीट कौन सा वाला है? ये 500 इधर हो गया, यहाँ पे 375 और यहाँ पे कितना हो गया? 400। वीट की बात की गई है 475, यानी 500 + 375 प्लस कितना हो गया? 475। अब देखो मैं कैसे जोड़ता हूँ भाई, मैं तो अपने अकॉर्डिंग जोड़ूंगा। 5, 3, 8, 4, 12, 1200 हो गया, और 75, 75 150, 1200 और प्लस 100 1300, 1350 हो गया। ये भाई 1300 टोटल 50 हो गया। अब किससे कंपेयर किया जा रहा है? राइस से। कौन कौन से स्टेट में? सी, डी और ई। राइस वाला सी में ये है 575, डी में 400 और ई में कितना है? 525। ये तीनों को जोड़ना है। देखो मैं डाइग्राम जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, यानी 575 प्लस 400 प्लस 525। अब देखो मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, 5, 4, 9, 5, 14, 1400, 75 और 2500 यानी कि 1500। अब बताओ कहा जा रहा था इससे ये कितना कम है भाई? 150। किससे कंपेयर किया जा रहा है? इससे 1500 से। परसेंटेज में करने के लिए 100, 20 से 20 कैंसिल 15 से, यानी 10% की कमी है। कौन सा आंसर मैच कर गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को मैं अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, जो लोगों ने मेरी 70 डेज मैथ कोर्स देखा होगा ना, जो लोगों ने मेरी 70 डेज मैथ कोर्स ज्योमेट्री देखा होगा, तो वहां पे मैंने ये कॉन्सेप्ट करा चुका हूं। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया उस पर बढ़ते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अप्लाई करेंगे। डी इज द मिड, डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, ट्रेंगल ए बी सी सच डैट इतना इज इक्वल टू इतना, इफ सी ए इज इक्वल टू 10 एंड बी सी इज इक्वल टू 16, द लेंथ ऑफ सी डी इज। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है एक कि ट्रेंगल ए बी सी है, हमने ट्रेंगल बना लिया ए बी एंड सी, ट्रेंगल ए बी सी है। क्या कहा जा रहा है? डी जो है एक पॉइंट है किस पे? बी सी पे। डी मान लेता हूँ ये पॉइंट है बी सी पे, मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ट्रंगल सच डैट एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी यानी ये वाला एंगल की बात की गई है, एंगल बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल, ये अगर ये थीटा है तो ये भी पूरा थीटा है क्योंकि इक्वल कहा गया है। सी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये सी ए लाइन है ना, ये वाली लाइन, सॉरी मैं यहाँ से, चलिए मैं इरेजर ले लेता हूँ, कंट्रोल ई ले लेता हूँ, कंट्रोल ई इरेजर, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, कंट्रोल पी। देखिए अब मैं बता रहा हूँ ध्यान से, इसकी लेंथ दी गई है कितनी? 10 सेंटीमीटर, और BC की लेंथ दी गई है, ये वाली लेंथ दी गई है कितनी? 16 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, तुमसे पूछा गया लेंथ ऑफ CD, इस CD की लेंथ पूछी गई है, ये वाली CD की लेंथ पूछी गई है। अब देखिए इस CD की लेंथ कैसे निकाल सकते हो? देखो अगर आपने देखा होगा मेरा कंडीशन कि मैं ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर है, तो चार फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। पहला, अगर मैं बात करूं AC का स्क्वायर, देखो AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? BC इंटू CD, BC इंटू CD, ये एक फॉर्मूला होता है, ये बता चुका हूं 70 डेज मैथ कोर्स देखोगे। अगर मैं AB निकालना चाहूं तो AB का स्क्वायर क्या होगा? वही चीज होगा, BC इंटू कौन सी है वाली लाइन, BD। चलिए उसी तरह से थर्ड अगर मैं AD निकालना चाहूं, AD का स्क्वायर क्या होगा? BD इंटू DC। ये चारों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। वैसे तो देखिए मैं आप चाहता तो डायरेक्टली निकाल सकता, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन बता रहा हूँ किस तरह से हम सोचते हैं। और एक और अगर मैं बात करूँ AB / AC का स्क्वायर, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? BC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? BD / CD, ये बचेगा। यही चारों फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। अब देखो किस पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमें किस कौन सी लेंथ पता है? हमें लेंथ ये वाली पता है, और हमें पूछा गया ये वाला, तो बताओ ये वाला अप्लाई करें फॉर्मूला, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? BC इंटू CD। AC कितना दिया गया? देखो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। BC कौन सा है? ये 16। इंटू CD कितना दिया गया? CD निकालना ही है, मैं 4 से काटूं तो ये 25 हो गया, 4 से काटूं 4, यानी CD इज इक्वल टू क्या हो गया? 25/4 का मतलब क्या हो गया? 4 6 24 पॉइंट
चार छः के 24.6.25 सेंटीमीटर आ जाएगा, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आसान था, कुछ था नहीं, बट आपको समझने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बना सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये एवरेज का क्वेश्चन है, बट अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज इतना, इफ व्हेन एट स्टूडेंट्स हुज एवरेज वेट इतना ज्वाइंट इन द क्लास, देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इंक्रीजेज बाई इतना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इनिशियल वाज। देखो लेट सपोज, जो हमसे पूछा गया, लेट सपोज इनिशियल में मान लेता हूँ एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, बताओ हम किस पे फोकस करेंगे? सम होता है क्या? एवरेज इंटू नंबर, दोनों साइड का सम हम इक्वेट करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन में। बताओ उनका, देखो n x नंबर ऑफ स्टूडेंट है इनिशियल में, शुरुआत में उनका एवरेज वेट कितना है? इतना। तो सम कितना हो जाएगा? x इंटू 16.5 प्लस, अब बताओ आठ स्टूडेंट्स और आ गए, पहले x स्टूडेंट थे, आठ और आ गए, तो क्या बचा? x प्लस, सॉरी रुक जाइएगा, बताओ ये तो रहा सम कितने x स्टूडेंट का, जो आठ नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका एवरेज वेट कितना है? इतना, यानी 8 इंटू उनका सम कितना हो जाएगा? 8 इंटू 65 इज इक्वल टू, इधर का टोटल सम इज इक्वल टू, अब बताओ पहले x स्टूडेंट थे, अब 8 और आ गए, अब कितने बच गए? बन गए कितने? x प्लस 8 स्टूडेंट्स, और उसके बाद एवरेज कितना इंक्रीज हो गया? 0.9, यानी पहले था 60.5, 0.9 इंक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया? 61.4, यानी 61.4। अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, किस तरह से सोल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, ये कितना हो गया 60.5x, इसको मैं इधर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? चलो मैं डायरेक्टली करूं, डायरेक्टली ही करूं तो बेटर है यार, लो डायरेक्टली मैं करने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, ये 60.5x और इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 61.4x, अगर इधर आएगा तो x कॉमन करूंगा तो 61.4 माइनस 60.5 क्या हो जाएगा? वही डिफरेंस जो यहां पे था, यानी 0.9x, 0.9x हो गया। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 8 5 40, 8 6 48, 48 और 4 52, यानी क्या हो गया? 520। इसको मैं इधर क्यों माइनस लिखा? क्योंकि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा इधर लेके आऊंगा तो माइनस, 8 4 32, 8 3 11 और 8 6 48 49, इतना हो गया। अब देखो मैं माइनस कैसे करता हूँ, ये भी चीज़ देखो, ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का फास्ट। अब देखो मैं इसमें से डायरेक्टली जो 491 नहीं घटाऊंगा, 492 घटाऊंगा, 492 घटाऊंगा तो 28 बचा, और 10 में से 0.2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 0.8, यानी 28.8 इज इक्वल टू क्या होगा? 0.9x। देखो एक पॉइंट से, यहां से पॉइंट कैंसिल हो गया, 9 से मैं काटूंगा तो 9 दुनी 18, 9 दुनी 27, कितना बचाओ? 18, 9 दुनी 18, एक्स की वैल्यू, यानी इनिशियल में कितने स्टूडेंट्स थे? 32। ऑप्शन कौन सा मैच कर गया? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कि इस क्वेश्चन में कुछ नया समथिंग है, आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखिए ये दिया गया है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन स्टेट सी एंड ई। बताओ राइस, राइस कौन सा वाला है? हॉरिजॉन्टल वाला, क्योंकि इससे पहले ये ग्राफ आ चुका था। किसमें पूछा गया? सी और ई, सी कहाँ पे है ये और ई कहाँ पे है? राइस, राइस वाला ये है, यानी ये बताओ 575 प्लस 525, देखो 500 500, 1000 75 25 100, यानी 1100, ठीक है ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बी एंड डी, बी एंड डी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, व्हीट का बी एंड डी, बी में व्हीट और डी में कौन सा ये बताओ? इसको मैं जोड़ूंगा, 375 प्लस 560 कितना हो जाएगा? 538, चलो जोड़ लेता हूँ, 5 7 6 13 और 538 1 9 935, यानी हमारा ये हो गया, इसका रेशियो पूछा गया तो 1100:935। अब किससे मैं काट लूँ भाई? 5 से काट लूँ, 5 2 10, 5 2 10 0, 5 से काटूँगा तो 5 1 5, 4 3 5 8 40, 5 7 35, ये हो गया। अब मैं काटूं 11 से काट लूं तो 11 2 22, 11 से 11 1 11 11 7 77, यानी 20:17 कौन सा आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये डीआई का क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन था या कुछ आपको डरने की जरूरत थी। चलिए ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है,
मैं ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही मजा आता है पाइप एंड सिस्टम का, अगर प्रैक्टिकल वे से देखोगे तो बहुत ही इजीली बना सकते हो क्वेश्चन। पाइप ए बी एंड सी कैन फिल इन ए टैंक 10, 15 एंड 13 आवर रिस्पेक्टिवली। डी इज एन इम्पटी पाइप विच ए लोन कैन इम्पटी ए फुल टैंक इन एक्स आवर। ए बी सी आर ओपन टूगेदर फॉर 3 आवर देन क्लोज्ड एंड नाउ डी इज ओपन विच ए लोन इम्पटी द टैंक इन 30 आवर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल है, देखिए ध्यान से कैसे सिंपल है भाई। ए कितने दिन में भर रहा, ए कितने घंटे में भर रहा है टंकी को, 10 घंटे में। बी जो है 15 घंटे में और सी जो है 30 घंटे में। एलसीएम ले लूँ 10, 15, 30 का एलसीएम तो कितना हो गया 30 यूनिट। ए एक घंटे की इफिशियंसी, एक घंटे उनकी इफिशियंसी निकालूँ कि एक घंटे में कितने भर सकते हैं, 30/10 यानी 3, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 30/1। अब बताओ तीनों मिलकर के एक साथ कितने के लिए खुल रहे हैं, 3 घंटे के लिए। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के अगर 3 घंटे तक चलेंगे, तीनों 3, 2, 5 और 1, 6, 3 घंटे तक चलेंगे तो कितना यूनिट भर देंगे, 18 यूनिट। यानी जो टंकी थी, ये टंकी जो है, ये तीनों भर रहे हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर 18 यूनिट भरे। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, उनको क्लोज कर दिया गया भरने के बाद। अब टंकी मान लो 18 यूनिट क्या हो गई, भर गई, अब क्लोज कर दिया गया। अब क्या कहा जा रहा है, डी इज ओपेंड। अब बताओ डी को क्या किया गया, ओपन। यानी डी कौन सी है, पानी निकालने वाली टंकी है जो 18 यूनिट भरा उसको कितने घंटे में खाली कर दे रही है, 30 घंटे में। यानी 18 यूनिट को कितने घंटे में खाली कर रही है, 30 आवर में लगा रही है। हमसे पूछा क्या गया है कि अगर जो टंकी डी हो उसको खाली करने में एक घंटा एक्स आवर लग रहा है, तो एक्स बताओ टोटल कितना यूनिट खाली करना है, 30 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 30/18, तो बताओ 30 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 × 30/18, ये क्या हो जाएगा, आवर। यही तो होगा ना भाई। अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूं, सोल्व कर लूं तो देखो ध्यान से, 3 × 3 9, 9 × 2 18, ये कितना हो गया, 100/2, यानी कितना लगेगा, 50 आवर लगेगा पूरा टंकी को। और यही एक्स की वैल्यू थी, क्योंकि एक्स घंटा लगता था, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 50। सिंपल क्वेश्चन था ना, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। अगर आपने अच्छे से किया होगा ना तो बहुत ही आसानी, अगर आपने प्रैक्टिस कहीं से भी किया हो, इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इवन ही जो लोग मेरी 70 डेज मैथ कोर्स फॉलो किए होंगे या 7300 प्लस मैथ कोर्स, तो उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने वहाँ पे सिखाया हूँ उसी चीज़ को मैं अप्लीकेशन पार्ट कराऊँ। और मैंने पहले भी बोला हूँ, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। आप चाहे देखो, ये सीपीयू का लेटेस्ट पेपर हुआ है, चाहे अगर मैं मेंस का ही पेपर कराऊंगा जब 2018 का, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी पैटर्न चेंज नहीं है यार, वही क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन का अरेंजमेंट इधर उधर हो सकता है। पहले डीआई के क्वेश्चन एक सीक्वेंस में दिए जाते थे, अब एक क्वेश्चन यहां पे है तो दूसरा क्वेश्चन यहां पे, यानी पजल्स टाइप में दे दिया गया है, और कुछ नहीं। क्वेश्चन का डाटा वही है, सब कुछ वही है, क्वेश्चन के पैटर्न भी वही है, ठीक है। तो वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, देखो मैं आपके तरफ से मैं बोलता हूं 3 काम आपको करना है, बाकी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो को क्या करो, लाइक कर दिया करो ईमानदारी के साथ। अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो ईमानदारी के साथ लाइक करो, नहीं मिल रहा है भाई आप कहीं अदर जगह शिफ्ट कर जाओ, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ खुल के, क्योंकि वो चीज़ नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते तो बहुत कुछ मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना। दूसरी चीज़, कॉमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। एंड थर्ड, आप ईमानदारी के साथ वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। शेयर करने से मेरा ही फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे लोग देखेंगे उतना ही मज़ा आता है पढ़ाने में भी। और जो लोगों को पीडीएफ चाहिए, देखिए मैं पीडीएफ बाइलिंगुअल प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आप कॉमेंट करते हैं वहाँ से ज्वाइन करके आप इन्जॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 आएगी आज ही रात में 8 PM पे मैं प्रोवाइड करूँगा, तो आप उसको भी देख के फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।